बैक वंस अगेन लेट मी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आई एम श्योर आप लोगों ने दिल्ली के बहुत सारे जायके, मुगलाई फूड्स और बहुत कुछ खाया होगा, पर जब दिल्ली का नाम आता है तो वहाँ के गोलगप्पे, चाट पकौड़ी आप कैसे भूल सकते हो। कि जिस तरीके से बॉम्बे की कहते हैं कि पानीपुरी मशहूर है, पाव भाजी मशहूर है, उसी तरह दिल्ली की जो चाट पापड़ी और गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे राइट हैंड साइड पे वो एरिया कहलाता है आउटरम लेन, हरी मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हो, हरी मंदिर उसके एग्जैक्टली सामने एक बहुत ही फेमस जॉइंट है, वो है पंडित जी भल्ले वाले। जी हाँ, जो 1990 से बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुरानी दुकान है, और उनकी एक और ब्रांच है जो पटेल नगर में है, जिसके बारे में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ के ऑनर से हम बात करके बताएंगे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जो लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर मॉडल टाउन, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है कि यहाँ पर उनके पास इतनी फेमस जॉइंट है तो एक बार खाना तो बनता ही है। आइए मुलाकात कराते हैं आप पंडित जी भल्ले वाले के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? नितिन भारद्वाज। नितिन भारद्वाज, ओके। भैया ये कितने साल पुरानी दुकान है? ये तो अभी हमने अभी ली है, 1 वीक हुआ है इसको। ओके, तो इससे पहले हमारी पटेल नगर में है 99 से। ये सेकंड ब्रांच है हमारी, या किस ये वाली सेकंड ब्रांच है। कि ये यहाँ का एरिया क्या पड़ता है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ हमें बता दें। ये किंग्स ऑफ कैंप पड़ता है। ओके, किंग्स ऑफ कैंप पड़ता है। यहाँ पे टाइमिंग है सुबह हम 12 बजे से और रात को 11 बजे तक। सुबह 12 से रात के 11 बजे। और किसी दिन आपका ऑफ रहता है? कोई ऑफ नहीं। ये राज कचौरी है। अच्छा, ये राज कचौरी है जो ऑब्वियसली सबने देखा होगा, पहले से ही तैयार रहती है। और ये पालक पत्ता चाट है। ये पालक का पत्ता है, इसके ऊपर हम चाट बनाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हाइजीन का बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत साफ और सुथराई आप देख सकते हो, मतलब नीट एंड क्लीन चीजें हैं। और आगे भैया हमें दिखा रहे हैं, ये हमारा दही भल्ला। वाह, दिल्ली के मशहूर। ये मेरे फादर ने शुरू किया था। अच्छा, 1980 में। अब आप ओहो 1980 में इनके फादर ने शुरू किया था, तो अंदाज़ा लगा लें ये मशहूर और फेमस जो हुए हैं वो अपने भल्लों की वजह से हुए हैं। बिल्कुल। अब जितनी आइटम आप और वैरायटी खाएंगे वो बाद में एक्स्ट्रा है। गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे दोनों वैरायटी के हैं। हाँ जी, ये आटे वाले हैं, ये सूजी के हैं। आटे और सूजी के। ये पापड़ी अवेलेबल है। ये पापड़ी है। ये हमारा कचालू है। ओके, ये कचालू की चाट होती है, ये अलग है क्योंकि ये टेस्ट को बिल्कुल अलग बना देती है। और क्या क्या आइटम यहाँ पे अवेलेबल है? ये हमारे पास आलू टिक्की है। ओके, पाव भाजी भी ही और आलू टिक्की भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये हमारे लिए भैया ने स्पेशली तैयार करने के लिए पालक चाट बोल रहे हैं और यहाँ पर वो इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। इसकी मेकिंग आप देख सकते हो किस तरीके से होती है, क्योंकि इनका स्वाद बहुत अलग है। 1980 ऑलमोस्ट इनके फादर के टाइम से ये इनके भल्ले और पापड़ी और ये यहाँ पर बहुत मशहूर हैं। अब जाहिर सी बात है मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने आज दूसरी ब्रांच यहाँ पर कर ली है, तो जब इंसान बहुत अच्छा काम हो रहा होता है और लोग पसंद कर रहे होते हैं तभी आपको दोबारा ब्रांच की जरूरत है। वेरी नाइस। और बहुत ही जल्दी पंडित जी भल्ले वालों का नाम आप दिल्ली के हर कोने कोने पे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, क्योंकि इनके आने वाले टाइम में कम से कम 10 आउटलेट पूरी दिल्ली में आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनके भल्लों का मज़ा कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में बैठकर ले सकते हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ। कर लेते भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आप कहाँ से आए? मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। मुखर्जी नगर में रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ के पंडित जी भल्ले वालों के पास आप कब से आ रहे हैं? मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। पाव भाजी हर एक जगह
मतलब जो एक टेस्ट होता है वो हर जगह नहीं मिलता है। करेक्ट, मैं पहली बार खाया हूँ, मेरे लिए बहुत सही पाव भाजी। मैंने इनका कल पाव भाजी जो बना रहे थे वो देखा था। अच्छा। और मैं उस चीज से इम्प्रेस हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा टाइम देके पाव की जो भाजी है वो बनाई थी। ओके, देखा मैंने आपसे बोला था इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जो बनाने का मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है। इसकी वजह से कल भैया ने देखा था, आज खाने आए हैं। और इनफैक्ट आप लोग भी जब यहाँ पर खाने आए तो एक बार इनकी प्रेजेंटेशन देखना मत भूलिएगा। गोलगप्पे, यस, गोलगप्पे की हम बात करते हैं। ये भैया कौन सा आटे का है? नहीं, सूजी का। ये सूजी का है। तो पानी किस चीज का बनता है? ये पानी अमचूर का। अमचूर का। सूजी वाला बहुत सॉफ्ट था, पानी के साथ और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। तो जो आटे वाला होता है ना, ये बहुत क्रिस्प होता है इनफैक्ट, और आप देख सकते हो इसकी क्रिस्प की आवाज भी आपको पता लग जाएगी। पर्सनली मुझे आटे वाला बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और क्रिस्प बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लाइट है, खाने में बहुत लाइट है, हैवी पन नहीं है। पर्सनली आई लाइक द प्रेजेंटेशन। नाउ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और मैं ओए होए होए मैं बहुत जेन्युइन रिव्यू आपको देना चाहता हूँ। पालक बहुत ही कड़क, क्रिस्प और मज़ेदार, मतलब खाने में सॉफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ने में कोई मुश्किल आ रही है। उसके ऊपर की जो टॉपिंग है, जो इन्होंने ऊपर बल्ले को मिक्स किया है, कुछ अपने जो कचालू जिसे बोलते हैं वो मिक्स करके बना के इसके ऊपर जो टॉपिंग किया है वो लाजवाब है। मसालों का मज़ा आ रहा है और जो पालक है ना वो बहुत शानदार है। इसको लग रहा है कि हाँ यार, हम पालक चाट खा रहे हैं। चटनी बहुत ही शानदार है, लाल चटनी बहुत अच्छी है और इनकी दही की क्वालिटी वो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मतलब अगर आप मेरी बात करेंगे इसमें जो ग्रीन चटनी और इन सबको मिलाने के बाद है ना, स्वाद अनुसार बहुत अच्छा चाट पकौड़ी का, जो दिल्ली मशहूर है अपने नाम की वजह से, चाट पापड़ी की वजह से लोग दिल्ली में आते हैं तो ये ज़रूर खाते हैं। तो मैं अब आपको ये सजेशन दूँगा, आप पंडित जी बल्ले वालों के यहाँ ये पालक चाट ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आपने सुना था कि भैया ने बताया था पंडित जी बल्ले वालों से सबसे फेमस और मशहूर जो है वो बल्ले हैं, और ये मैं सबसे पहले ये पापड़ी आपके सामने ट्राई करूँगा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाएंगे और यहाँ खाएंगे शायद मैं कहूँगा यहाँ का टेस्ट ज़्यादा वर्थ है। दही का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, दही की वजह से सब चीज़ें चाट का टेस्ट बदल जाता है। और आई एम श्योर आप लोग जहाँ की भी चाट पापड़ी खाते होंगे वहाँ आपको पता है कि दही कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मैं बल्ला ट्राई करता हूँ, इनके बल्ला थोड़ा, इन्होंने इतना दही से टॉपिंग किया है, इतना अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है, तो वाकई में देख के मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा बल्ला है, ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बल्ला इतना लाजवाब है, बहुत ही सॉफ्ट है और दही के साथ और मीठी चटनी जो खजूर की है उसका तो मज़ा ही आ गया। तो उसने समा बांध दिया, उसके ऊपर डाले, क्योंकि मैं थोड़ी सी हरी चटनी कम प्रिफेयर करता हूँ, इसलिए उसके साथ ये खजूर वाली चटनी ने इसका समा बांध दिया है लाजवाब। सो गाइस, लेट मी गिव दिस चाट पकौड़ी एंड एवरीथिंग गोलगप्पा एंड आई एम एंजॉइंग दिस। टिल देन यू गाइस वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, वी विल बी बैक विद द राइट एंड जेन्युइन रिव्यू। बाय बाय।